हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कानून मंत्री के बयान पर बोले अंकित लाल, कहा बीजेपी का बस चले तो देश में प्रजातंत्र ही खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट के ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अहम फैसला लिया और आधार कार्ड की कानूनी मान्यता को बरकरार रखी है और साथ ही आधार की वैधता पर शर्तें भी रख दी हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शासन को शक्ति देता है और लोकतंत्र को शक्ति देता है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर वीडियो साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंकित लाल मोदी सरकार पर वार करने में पीछे नहीं हटे हैं। कानून मंत्री के कहने पर कार्यकर्ता आप के अंकित लाल ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्यों प्रजातंत्र मजबूत होता है। अंकित ने ट्विटर पर कहा, प्रजातंत्र को थोड़ी बहुत मजबूती तो सरकार भी दे सकती है। अपने इस कहे पर चुटकी लेते हुए आप कार्यकर्ता ने लिखा कि ओह मेरी गलती है, मैं तो भूल ही गया था कि देश के भाजपा की सरकार है और इसका बस चले तो देश में प्रजातंत्र ही खत्म कर दे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला लिया कि आधार को बैंक अकाउंट मोबाइल से लिंक करने को जरूरी नहीं और अब निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकती। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट में कई प्रावधानों को बदलाव कर दिए हैं। आधार कार्ड पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने कहा कि सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार बायोमेट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर ना करेगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।